स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। किसानों ने किया आरोप, सरकार नहीं ले रही धान, खुलेआम हो रही है रेती की तस्करी। अब खबरें विस्तार से। किसानों के साथ हो रहा अन्याय, सेंट्रल कृषक सहकारी पत संस्था नहीं ले रही किसानों की धान। ग्राम अंबोरा गोदाम में किसानों के जानकारी के अनुसार एक दिन पहले ही सोसाइटी का गोदाम खुला और आज किसानों के साथ शुभम नागपुरे ने जाकर देखा तो गोदाम फुल हो गया। ग्राम अंबोरा गोदाम में किसानों के जानकारी के अनुसार एक दिन पहले ही सोसाइटी का गोदाम खुला और आज किसानों के साथ शुभम नागपुरे ने जाकर देखा तो गोदाम फुल हो गया। सोसाइटी पर ग्रामीण किसानों ने एवं घनश्याम लिल्हारे भूपू सरपंच नागरा ने आरोप लगाया कि जगह नहीं है करके एक दिन में 400 से 500 कट्टे वजन किए। शुभम नागपुरे ने एवं घनश्याम लिल्हारे ने किसानों के साथ गोदाम में भेंट दी तो 20,000 कट्टे मौजूद थे। पैसे लेकर ही धान विक्रेता से धान लेकर गोदाम भरा गया और किसानों की धान नहीं ले रहे, ऐसा आरोप है। केंद्र कटंगी दो धान छोड़ा गया है प्रांगण में, अंबुरा में प्रांगण में धान छोड़ने के पहले आधा गोदाम भरा गया है। ये कटंगी के जो संचालक है और वो ग्रेडर है, ये महा घोटाला किया गया है। हमारी तकरार है प्रशासक से, ऐसे प्रशासक और ऐसे ग्रेडर को बर्खास्त किया जाए और किसान की धान ली जाए जो पैसे दे करके काम कर रहे हैं। ऐसे में पूरा किसान लोग का लाश होने में चांस है और किसान लोग की जो धान जाना है वो धान नहीं जाएगी और पूरे पैसे के अपार से गोदाम भरी जाएगी। तो मेरी किसान की तरफ से मांग है कि ऐसे जो दो नंबर के पैसे लेकर के काम गोदाम भरा जाता है और गोदाम आपने देखे पत्रकार लोगों ने कि गोदाम प्रांगण में काटा होने के पहले आधी गोदाम भरी गई है, इसमें कहीं ना कहीं प्रतिबंध होना चाहिए। मौजा कोहड़ी टोला चिखड़ी सड़क अर्जुनी तहसील के तहत आने वाले ग्राम कोहड़ी टोला चिखड़ी में बीते दिनों 150 से 200 ब्रास रेती की अवैध तस्करी पकड़ी गई। मगर उस रेती का पंचनामा करते समय तहसील कार्यालय के अधिकारियों ने उस रेती को लावारिस करार देते हुए उसे वैसे ही छोड़। हमारे सूत्रों से प्राप्त हुए जानकारी के अनुसार कोहड़ी टोला चिखड़ी में जंगल से सटे खुले मैदान में 150 से 200 ब्रास रेती का अवैध साठा जब्त किया गया। इस जब्ती में तहसील कार्यालय सड़क अर्जुनी आला अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद थे। घटनास्थल का पंचनामा तैयार किया गया। इतने पैमाने पर वह रेती कहां से आई और वह रेती किसकी है, इसकी जानकारी सभी आला अधिकारियों को थी, मगर पंचनामा में लावारिस रेती साठा बताकर टाल मटोल करते नजर आए। यानी इसका मतलब है कि कोई भी शख्स इस तरह रेती का संग्रह कर सकता है और उसे बचाने के लिए तहसील के अफसर उनकी जी हजूरी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह रेती का संग्रह एक बड़े नामचीन नेता के चमचे का था, मगर उसके नाम से आला अफसर भी डरे रहते हैं। तो दूसरी तरफ और आम जनता को एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी घरकुल के लिए मिल नहीं पा रही है, इसे ही कहते हैं जी हजूरी। अब देखना यह है कि तहसील के आला अधिकारी किस किस पर कार्रवाई करते हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।